हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे भुने चने का लड्डू। बेसन का लड्डू तो आप सब लोगों ने बनाया होगा। मैंने जितना बेसन, जितना मतलब चना लिया है, ये भुना चना है, घर का ही चना है। इसका मैंने छिलका निकाल दिया है, जो निकला वो निकाल दिया, जो नहीं निकला मैं उसे फिर कैसे निकालूँ, उसे रहने दिया, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। ये देखिए, हमने चने को अच्छे से वो पीस लिया है, और इसे पीसने के बाद हमने इसे छान लिया, जो इसमें हल्का सा थोड़ा बहुत छोटे टुकड़े थे उसे हमने निकाल दिया। अब हम इसे घी में हल्का सा भूंजेंगे। ये हमने घी लिया है, मैंने 200 ग्राम चने लिए थे और 200 ग्राम ही घी है, और 200 ग्राम ही मैंने शक्कर लिया है। घी को वैसे तो चने को भूंजने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही रोस्ट किया हुआ चना है, लेकिन अगर हल्का सा उससे आप भूंज लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है, घी हमारा पिघल गया। अब मैं इसमें चने के जो आटा है, मैं इसमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से इसे हम अच्छे से भूंज लेंगे। इसे भूनने से क्या है, लड्डू का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और चना भुना हुआ आप मार्केट से लाते हुए पता नहीं कितने दिन का भुना हुआ रखा रहता है, तो उसका टेस्ट थोड़ा मतलब अच्छा कम लगता है। वैसे तो कई लोग क्या है, वैसे भी इसे पीस के बना लेते हैं लड्डू, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे तो चने के लड्डू का टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। और चने, भुने हुए चने में तो आप सबको मालूम है ये बहुत ही ताकतवर भी होता है, क्योंकि भरपूर कैल्शियम होता है चने में। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे, कैल्शियम के लिए ये बहुत अच्छा है, तो आप इसे बना के खा सकते हो। और अगर घर का बना लड्डू है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि घर का बना शुद्ध लड्डू होता है। मैंने इसे देसी घी में भूंज रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप देसी घी में भूंजेंगे तो आपका लड्डू ज़्यादा अच्छा रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। और सबसे पहली बात, अगर आपके पास घी कम है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा घी लीजिए, और आपके पास दूध तो सबके घर में आता है तो आप दूध की मलाई निकाल के रख लीजिए, उसे भी आप डाल के बना सकते हो। ये देखिए, मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बेसन को अच्छे से भून लिया, भूने हुए चने के बेसन को, सॉरी। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। शक्कर में आप चाहे तो शक्कर ले लीजिए, मार्केट में बूरा मिलता है, मैंने जितना बेसन लिया था उतनी ही शक्कर भी लिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे, और इसी में हमने थोड़ी सी कटी हुई बादाम डाल दी, और गैस अभी गर्म है, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इलायची भी थोड़ा शक्कर के साथ पीस लिया था, उसी के साथ वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी थोड़ा गर्म है और बाकी इसे हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का हल्का गर्म है। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ से, जैसे कि बेसन और शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, अब हमारा लड्डू बनाने लायक हो गया है। इस तरह से आप जितना बड़ा छोटा मन करे आपका, उतना बड़ा छोटा आप बना सकते हो। इसी तरह से हम अपना सारा लड्डू बना लेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने घी कम डाला है, आपके पास कम घी है, आपका लड्डू नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें हल्का सा दूध का छींटा मार लीजिए तो आपका लड्डू बन जाएगा। अगर बनने में दिक्कत हो रही है तो, अगर बन जा रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर बनने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हल्का सा दूध का छींटा मार के आप लड्डू बना सकते हो। कि देखिए, हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिया है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बने हैं। आप लोग भी इस तरह से लड्डू बनाकर ट्राई करिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका लड्डू कैसा बना। तो चलिए, फिर मिलती हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।